गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वॉवेल प्लान के बारे में। हम लोग जानते हैं कि ये जब हमारे देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, मतलब अंत के टाइम में 1947 से पहले हमारे देश में बहुत सारे मिशन भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे साइमन कमीशन हुआ, क्रिप्स मिशन हुआ। क्रिप्स मिशन के बारे में एक दो बातें तुम लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं 1939 विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, और इस वर्ल्ड वॉर में दो टीम थे, एक था जो जर्मनी लीड कर रहे थे और एक था एक टीम को ब्रिटिश जो इंग्लैंड थे वो लीड कर रहे थे। हमारे देश जो भारतवर्ष का लोकेशन है, एशिया के जो सब कॉन्टिनेंट एरिया है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये भारतवर्ष। उस जमाने में क्या हुआ था कि जापान जो थे वो जर्मनी के साथ थे, मतलब उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के पहले जर्मनी ये युद्ध जीत रहा था, और जापान पूरे एशिया का जो सब कॉन्टिनेंट अभी हमने जो बताया उसमें वो बहुत आगे निकल रहे थे, और किसी भी वक्त ये भी हो सकता था कि वो भारतवर्ष आक्रमण करने वाले थे। बस इसी सोच के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट डर चुके थे, तो ब्रिटिश मंत्रिसभा का एक मेंबर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था भारतवर्ष में कि आप जाइए और वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब के साथ डिस्कशन कीजिए और उनका सपोर्ट लीजिए कि भारत सपोर्ट मिलना चाहिए इंग्लैंड को इस युद्ध में। लेकिन क्या हुआ, उस वक्त भारतवर्ष में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने बातों को लेकर ही बिजी थे। जैसे मुस्लिम लीग पाकिस्तान को लेके लेना चाह रहे थे, हिंदू महासभा क्या कर रहे थे, हिंदू महासभा और ये प्रतिरोध कर रहे थे, मतलब वो वाला कंसेप्ट उनको पसंद नहीं था। मतलब इसके चलते भारतवर्ष के अंदर में एक हम लोग बोल सकते कम्युनलिज्म बहुत ही बढ़ चढ़ के बोल रहा था उस वक्त। तो 1945 जब ये क्या हुआ, कुछ साल के बाद 1945 अप्रैल के महीने में जर्मनी परास्त हो चुका था इंग्लैंड के हाथों, मतलब वो इस जोट के हाथों से जर्मनी परास्त हो चुका था। लेकिन एशिया में जापान उस वक्त भी लड़ाई कर रहा था, तो ये डरने वाली बात था। तो इसके चलते क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत डर था कि किसी भी वक्त जापान भारतवर्ष को भी आक्रमण कर सकता, मैंने जो पहले बोला। अब ये हुआ कि उस वक्त का अंदरूनी जो कंडीशन भारत का, मैंने अभी बोला कि कम्युनलिज्म जो भारतवर्ष में वो उभर रहे थे, मतलब स्थिति बहुत पीसफुल नहीं था भारतवर्ष के अंदर। इसी के चलते भारतवर्ष का जो सिक्योरिटी रीजंस था भारतवर्ष का लोकेशन, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत चिंतित थे, और इसी के साथ ये चिंता उनको सता रहे थे। इसलिए उस वक्त के गवर्नर जनरल बोरलाट लॉर्ड वॉवेल 14 जून एक प्लान भारतवर्ष के लिए, मतलब भारतवर्ष का सपोर्ट मिलना था, इनको लेना था पूरे भारतवर्ष का, इसीलिए इन्होंने एक प्लान जारी किया था जिसका नाम है वॉवेल प्लान। इस वॉवेल प्लान में क्या क्या प्रस्ताव दिया गया था, इसी के बारे में आज भी इस वीडियो में बोल रहे हैं कि बहुत पांच मेन प्लान दिया गया था। फर्स्ट प्लान ये है कि बोरलाट वॉवेल ने बोला कि गवर्नर जनरल वॉवेल ने बोला कि बहुत ही जल्द भारतवर्ष को उनका इंडिपेंडेंस दिया जाने वाला है। दूसरा, उन्होंने बोला कि भारतवर्ष में बहुत ही जल्द संविधान रचना करने की प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रस्ताव था, स्वाधीन मतलब फ्रीडम भी देंगे और कॉन्स्टिट्यूशंस को भी रचना करने के लिए जो प्रोसेस है वो जल्दी, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। दूसरा प्रस्ताव ये है कि नया जो संविधान होगा उसमें जब तक वो संविधान नहीं हो जाता तब तक भारतवर्ष में इंटीरियर गवर्नमेंट बनाया जाएगा, वो भी इलेक्टेड पर्सन से। तीसरी बात ये है कि बोरलाट ने ये भी बोला कि उनका जो कमेटी है, अपना जो कार्यनिर्वाह कमेटी होता है बोरलाट का, अपना जो कमेटी होता है उसमें वो और भारतवर्ष के जो सेनापति उस वक्त थे उसको छोड़ के पूरी कमेटी को बदला जाएगा, नए ढंग से वो उस कमेटी को बनाया जाएगा। तो ये तीसरा हो गया। चौथा ये है कि कार्यनिर्वाहक जो समिति बनेगा, जो गठन होने वाला है, उसका जो मेंबर वो
हिंदू से भी होगा और मुस्लिम से भी होगा, वो 50-50 रहेगा, मतलब आधा हिंदू से होगा और आधा मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। और लास्ट पांचवा सबसे बड़ी बात, भारतवर्ष के सिक्योरिटी रिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंस था उस वक्त, तो इसलिए बरलाट वावेर ने बोला कि भारतवर्ष के जो सिक्योरिटी, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर इंडिया में है तब तक सिक्योरिटी पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा और जो सेना है वो भी हाथ में ही रहेगा। ये पांच प्रस्ताव भारतवर्ष के जो दो पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम लीग और इंटरनेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, उसको उनको उनके उनको सामने लाने के लिए शिमला में ये बैठक बुलाया गया था 25 जून 1945। ये बैठक सफल नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा रीजन उस वक्त था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान राष्ट्र गठन के लिए वो अनर्थ थे, मतलब उनको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए था बस इस बार। और ये एक मुद्दा था, और दूसरी मुद्दा इन्होंने ये जारी किया था जो बरलाट के जो कार्यनिर्वाहक समिति बन रहा था उसमें बोला गया ना अभी आधा हिंदू होगा आधा मुस्लिम्स होगा, इन्होंने बोला जो मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम्स जो मेंबर्स जाएंगे कार्यनिर्वाहक कमेटी में उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग से मनोनीत होके ही जाएगा। ये बात अब देखो मैं क्यों कि ये बात कांग्रेस को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि कांग्रेस का भी ये बोलना था कि मतलब कि भारतवर्ष में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं करते हैं, बहुत सारे कांग्रेस में भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे और भी मुस्लिम्स अलग अलग हिस्से में थे, पार्टीज में थे। तो मतलब यही है कि अगर आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम लीग से इलेक्ट वो भी मनोनीत होके जाएंगे, मतलब सिलेक्ट होके जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये कांग्रेस ने नहीं माना और इधर जिन्ना ने भी नहीं माना, ये इसके चलते क्या हुआ, बरलाट जो वावेल जो प्लान दिए वो पूरी तरह से बैठक ही नहीं हुआ और पूरा प्लान चपट हो गया। तो ये है वावेल प्लान, तुम लोगों के एग्जाम में आता है, बहुत सारे इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है कि क्यों क्या हुआ था प्रस्ताव क्या था, तो तुम लोग जब बुक पढ़ोगे और भी आसान लगेगा। आशा करते हैं ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ही थोड़ा बहुत समझ में तो आया ही होगा, हम चाहते हैं कि तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ो और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।